पाँच दिनों बाद कर्नाटक की तस्वीर साफ हो गई। सिद्धारमैया नए मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार इकलौते डिप्टी सीएम होंगे। डीके शिवकुमार लोकसभा चुनाव तक कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। 20 मई को सिद्धारमैया सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए तमाम विपक्षी नेताओं को न्योता भेजा गया है। मेहमानों की लिस्ट में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता शामिल हैं। पार्टी के फैसले के बाद पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने नाराजगी जताई और दलितों की अनदेखी का आरोप लगाया। एमवी पाटिल ने लिंगायतों की अनदेखी का मुद्दा उठाया। अजमेर में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक के दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि बात लात घूंसों तक जा पहुंची। विवाद तब हुआ जब प्रदेश की सह प्रभारी अमृता धवन अजमेर दौरे पर पहुंच रही थी। कार्यक्रम में आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर भी मौजूद थे। उनके सामने ही पायलट के समर्थकों ने कार्यक्रम का विरोध किया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। अमृता धवन अजमेर से पहले किशनगढ़ पहुंची थी, वहां से उनका अजमेर आने का कार्यक्रम था, लेकिन अजमेर पहुंचने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। किरण रिजिजू अब देश के कानून मंत्री नहीं रहे, उनकी जगह अर्जुन मेघवाल को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अर्जुन मेघवाल स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होंगे, किरण रिजिजू अर्थ साइंस मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। अर्जुन मेघवाल ने कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली, लेकिन जब वो दफ्तर पहुंचे, उन्हें कार्यभार सौंपने के लिए किरण रिजिजू मौजूद नहीं थे। रिजिजू के अलावा कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का भी मंत्रालय बदला गया है, उन्हें अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया है। रिजिजू न्यायाधीशों पर टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में थे। जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फिलहाल राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला हाई कोर्ट में है, जिस पर 3 जुलाई को सुनवाई भी होनी है। अगर हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी कि गणना का 80% काम पूरा हो चुका है। अदालत ने ये सवाल भी पूछा कि सरकार लोगों का डेटा कैसे सुरक्षित करेगी। पश्चिम बंगाल को सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त बड़ा झटका लगा जब अदालत ने द केरल स्टोरी पर पाबंदी के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा कि फिल्म देखने वालों की सुरक्षा भी तय की जाए। अदालत ने फिल्म में 32,000 महिलाओं के इस्लाम कबूल करने वाले आरोपों पर डिस्क्लेमर लगाने का भी आदेश जारी किया और फिल्म के निर्माता को इस काम के लिए 20 मई की शाम 5 बजे तक का वक्त दिया। अदालत में फिल्म प्रोड्यूसर के वकील ने माना कि 32,000 महिलाओं के इस्लाम कबूल करने को सही ठहराने का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में होने वाली बैलों की परंपरागत दौड़ पर रोक नहीं लगाई है, यानी महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़, कर्नाटक में कम्बाला और तमिलनाडु में जलीकट्टू का परंपरागत खेल जारी रहेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पशु क्रूरता अधिनियम में बदलावों को चुनौती दी गई थी, लेकिन अदालत ने याचिकाएं खारिज कर दी। तमिलनाडु ने कानून में बदलाव 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया था, जिसमें अदालत ने जलीकट्टू और इसी तरह के दूसरे खेलों पर रोक लगा दी थी। पंजाब के अलग अलग शहरों में किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया। किसानों की नाराजगी पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ है। आरोप है कि सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करवाया। दरअसल भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा मांगने पर गुरदासपुर में बुधवार को किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। उसी प्रदर्शन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी को पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मारे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी को एसएसपी ने लाइन हाजिर किया है। 2008 के मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा अभी अमेरिका की जेल में बंद है। लॉस एंजलिस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिन आरोपों को आधार बनाकर भारत ने तहव्वुर के प्रत्यर्पण की मांग की है, उन्हें देखते हुए इजाजत दी जा सकती है। मुंबई के आतंकी हमले में तहव्वुर की भूमिका की जांच एनआईए कर रही है। तहव्वुर ने आतंकियों को मदद पहुंचाई थी, जिसके सबूत मिलने पर भारत ने प्रत्यर्पण की मांग की थी। भारत की मांग के बाद उसे अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। पटना में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी सियासत जारी है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने बाबा के चार्टर्ड प्लेन और रनवे पर उमड़ी भीड़ को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल बुधवार की शाम जब बाबा बागेश्वर पटना से रवाना हुए तो एयरपोर्ट पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी।
पहले एयरपोर्ट के गेट पर हंगामा हुआ और उसके बाद रनवे पर बाबा के भक्त दौड़ते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने जांच की मांग की तो आरजेडी ने कहा कि अफगानिस्तान जैसा नजारा देखने को मिला। दिल्ली से लेकर पंजाब तक बारिश ने गर्मी से हल्की राहत दिलाई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में दो दिन आंधी और हल्की बारिश के आसार है। इसके बाद तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है। उधर हरियाणा और पंजाब में पिछले दो दिनों से लगातार चढ़ रहे तापमान की स्पीड बारिश की वजह से फिलहाल थम गई। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 22 मई को बादल छाए रहेंगे, साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। 20 मई से तापमान में बढ़ोतरी होगी। हाल के कुछ हफ्तों में हमारे देश में एक बिल्कुल अलग और नए तरह के वीडियोस सामने आने शुरू हो गए हैं और ये वीडियोस आपके पास भी जरूर आए होंगे, आपके सोशल मीडिया पर आए होंगे, आपके व्हाट्सएप पर आए होंगे, अब तक आपने भी इन्हें देख लिया होगा, जहां मुस्लिम लड़कियां किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही हैं या बाजार में घूम रही हैं या फिर गाड़ी में जा रही हैं और फिर मुस्लिम युवकों का एक ग्रुप अचानक से उन्हें रोक लेता है और फिर उस गैर मुस्लिम लड़के की पिटाई करता है और फिर मुस्लिम लड़कियों की हिफाजत के नाम पर पूरी स्थिति को अपने कंट्रोल में ले लेता है। यह धर्म से भी ज्यादा महिला सुरक्षा का मामला है और आज स्थिति यह हो गई है कि अगर कोई गैर मुस्लिम लड़का अपनी दोस्त के साथ, दफ्तर में सहयोगी के साथ या क्लास में पढ़ने वाली किसी मुस्लिम लड़की के साथ सड़क पर या बाजार में कहीं पाया जाता है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है और ये एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए अच्छी बात नहीं है और इसीलिए आज हम विस्तार से इस पूरी खबर का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। ये वो खबर है जिसके बारे में देश के लोग तो लगातार बात कर रहे हैं, आप लोग लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि आप ये वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन देश का मीडिया इसके बारे में बिल्कुल चुप है और देश का एक और वर्ग है जो वैसे तो बहुत शोर मचाता है लेकिन इस मामले पर बिल्कुल चुप बैठा है। इसलिए हमें यह लगा कि आज इस मुद्दे को देश के सामने लाना चाहिए। पिछले एक महीने में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनमें पुलिस ने खुद मामला दर्ज करके ऐसे आरोपियों की गिरफ्तारी की है जिन्होंने हिंदू धर्म के लड़कों के साथ इसलिए मारपीट की क्योंकि ये लड़के मुस्लिम लड़कियों के साथ कहीं पर जा रहे थे। ऐसी घटनाएं तो बहुत सारी हुई हैं लेकिन चार घटनाएं ऐसी हैं जिनमें पुलिस ने खुद एक्शन लिया है और आज हम आपको वो चार घटनाएं ही दिखा रहे हैं जिनमें पुलिस ने खुद संज्ञान लिया है और एक्शन लिया है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हैं जिनके वीडियोस तो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, अब तक आपने देख भी लिए होंगे, लेकिन क्योंकि इन मामलों में कोई शिकायत नहीं हुई इसलिए पुलिस ने भी अपनी तरफ से अब तक कोई केस इनमें दर्ज नहीं किया है। इसलिए दो तरह के मामले हैं, एक वो मामले जो आप सोशल मीडिया पर देख चुके हैं, जिनके वीडियोस बन चुके हैं लेकिन उन पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है और कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। इसलिए हम आपको वही बता रहे हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई हुई है और इन्हीं में से एक घटना बिहार की राजधानी पटना की है जहां 14 मई को मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने एक हिंदू धर्म के लड़के के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट की क्योंकि इस लड़के के साथ उसकी बाइक पर एक मुस्लिम लड़की बैठी हुई थी। इन लोगों ने पहले नियमों के विरुद्ध इस लड़के की बाइक को रोका, फिर इस लड़के से यह कहा कि आखिर वो हिंदू होकर एक मुस्लिम लड़की को कैसे लेकर जा रहा है और इसके बाद इन लोगों ने इस मुस्लिम लड़की के साथ भी बदसलूकी की, उस मुस्लिम लड़की का अपमान किया और उसके लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आपको शर्म नहीं आ रहा है? आप मुस्लिम होके क्या कर रहे हैं आपको? मालूम है आपको? घर कहाँ हुआ आपका? क्या हुआ भाई सर? घर कहाँ हुआ? क्लासमेट है, क्लासमेट है, क्लासमेट है। हेलो, अरे अपने भगवान लाभ क्या करेगा? भगवान लड़की को घुमा रहे, मुस्लिम की लड़की को घुमा रहे।
इस वीडियो को हमने एडिट किया है क्योंकि ये वीडियो ऐसा था कि आप शायद अपने परिवार के साथ इसे देख भी नहीं पाएंगे। इसमें ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसे हमें बीप करना पड़ा। आपको याद होगा पिछले साल जब गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के गरबा पांडालों में ये कहते हुए मुस्लिम लड़कों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई थी कि ये लड़के गलत मकसद से इन पांडालों में आते हैं, तो उस समय हमारे देश में एक खास विचारधारा के बहुत सारे लोगों ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था और कहा था कि ये एक सांप्रदायिक फैसला है और धर्मनिरपेक्ष देश में ये नहीं हो सकता। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में मुस्लिम लड़कों को गरबा पांडालों में प्रवेश करने से रोकना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे भारत की धर्मनिरपेक्षता की हत्या की जा रही है। ये रिएक्शन था पिछले साल जब गरबा पंडालों में मुस्लिम युवकों को जाने से रोका गया था। लेकिन आज जब देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू लड़कों को, गैर मुस्लिम लड़कों को मुस्लिम लड़कियों के साथ कहीं पर भी आने जाने पर इस तरह से पीटा जा रहा है और मुस्लिम लड़कियों को भी इसके लिए खुलेआम सार्वजनिक रूप से वीडियो बनाकर शर्मिंदा किया जा रहा है, तो क्या इससे अब भारत की धर्मनिरपेक्षता की हत्या नहीं हो रही? यह पूरा मामला कितना गंभीर है इस बात को आप एक और घटना से आज समझिए। यह जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां भीड़ ने एक हिंदू लड़के के साथ सिर्फ इसलिए बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, क्योंकि यह लड़का दो मुस्लिम लड़कियों के साथ वहां एक बाजार में घूम रहा था। पुलिस के मुताबिक जब इन लड़कियों ने इस लड़के को उसके नाम से पुकारा तो वहां मौजूद कुछ लोग इस हिंदू लड़के को और इन मुस्लिम लड़कियों को घेर कर खड़े हो गए और इस भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने इस दौरान इन लड़कियों से अपना नकाब हटाकर अपना चेहरा दिखाने के लिए कहा और उनसे यह भी पूछा कि वो मुसलमान होते हुए एक हिंदू लड़के से दोस्ती कैसे कर सकती है। अभी हाथ नहीं पहले तो मालूमात करने दो, मैं मालूमात करने दो, अरे कैसे दोस्त है तो बताओ, हिंदुओं को दोस्त बनाओगे तुम? ये बताओ तुम, एक मिनट जरा दे, चेहरा दिखाओ अपना, चेहरा चेहरा दिखाओ अपना भाई। नाम तो बताओ, कैसे दोस्त हो तुम इसके? नाम बताइए, क्या है छुट्टियाँ? एक घंटा हो गया, लड़की का फोटो लिए भैया। भैया मेरी बात सुन लोगे ना? हाँ जाओ जाओ भाई, लड़की का नाम बताइए, सब बताइए पहले। क्या ब्रदर था तुम? मैं भैया स्टाफ है। कैसा स्टाफ है? सामान इसका है भी नहीं, ये घटना 13 मई की है जिसमें अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में जिन मुस्लिम लड़कियों और हिंदू लड़के के साथ ये बदसलूकी की गई वो तीनों एक ही कंपनी में काम करते थे, यानी ये तीनों लोग सहयोगी थे, एक जगह काम करते थे और उस दिन वो अपने एक और दोस्त के लिए एक गिफ्ट खरीदने के लिए इस बाजार में आए थे। लेकिन बाद में भीड़ ने इन लोगों को घेर लिया और यहां बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं है। आप मुजफ्फरनगर की एक और घटना देखिए जिसमें कुछ लोगों ने एक बाइक का पीछा किया और पीछा करके एक हिंदू लड़के को इसलिए रोक लिया क्योंकि यह लड़का एक मुस्लिम लड़की के साथ कहीं जा रहा था, इसने मुस्लिम लड़की को अपनी बाइक पर बैठाया हुआ था और इस दौरान इन लोगों ने जबरदस्ती इस लड़की का नकाब हटाने की कोशिश की और इस मामले में भी पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये भी देखिए आप, ये वीडियोस देखकर
अब आपको ये समझ में आएगा कि अगर भारत में कोई ऐसा गैर मुस्लिम लड़का है जिसके साथ उसकी क्लास में मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं, या उसके दफ्तर में कोई मुस्लिम लड़की काम करती है, या फिर मुस्लिम लड़की उसकी दोस्त है और वो लड़की के साथ कहीं चला जाए, या कभी कोई मुस्लिम लड़की उससे ये कह दे कि मुझे आगे तक एक लिफ्ट दे दो अपनी बाइक पर या अपनी गाड़ी में, तो उस लड़के के साथ अब कुछ भी हो सकता है। भारत में 95% से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। इसके अलावा ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी इसी शिक्षा प्रणाली का पालन होता है जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, और ये जो छात्र होते हैं लड़के और लड़कियां, ये सभी धर्मों के होते हैं। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट दोनों नौकरियों में भी पुरुष और महिलाएं साथ मिलकर ही काम करते हैं, और कोई भी कंपनी या सरकार किसी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर ही अकेले नौकरी नहीं देती। यानी स्कूल के क्लासरूम से लेकर बड़े से बड़े कंपनी के दफ्तर में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते भी हैं, साथ काम भी करते हैं, और ये लोग किसी एक धर्म से नहीं होते, और ना ही इनका धर्म चेक करके कभी इन्हें स्कूल में या कॉलेज में या फिर नौकरी पर रखा जाता है। ये सभी धर्मों से होते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारे देश में जिन मुस्लिम लड़कियों के दोस्त गैर मुस्लिम हैं, वो अचानक से खतरे में आ गए? यहां एक बात सोचने वाली यह भी है कि ये तमाम लोग जो ये कहते हैं कि लव जिहाद एक प्रोपेगेंडा है, लव जिहाद नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, और ये मुसलमानों को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, वही लोग आज ये कह रहे हैं कि हिंदू लड़के आजकल एक लव ट्रैप चला रहे हैं जिसमें मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। यानी ये पूरा जो मामला है, ये लव जिहाद वर्सेस लव ट्रैप का बन गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनमें मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों के साथ दिखने पर उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाता है, उनके वीडियोस बनाकर उन्हें धमकी दी जाती है, और अगर उन्होंने हिंदू लड़कों से बात की तो फिर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाता और इसे कहा जाता है कि ये लड़कियां जो हैं ये अपना धर्म भ्रष्ट कर रही हैं, ये इस्लाम के खिलाफ कोई काम कर रही हैं, और जो बाकी का जो मुसलमानों का समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, वो ये कहता है कि ये उनका फर्ज है कि वो ऐसी लड़कियों को रोकें और उनकी रक्षा करें। इस बात को आप महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की इस घटना से और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जहां एक मुस्लिम लड़की के साथ धक्का मुक्की की गई और उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसका अपमान हुआ क्योंकि यह लड़की एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ कहीं जा रही थी। लेकिन इसके बाद इस लड़की के साथ बीच सड़क पर जो हुआ वो देखकर आज किसी को भी, चाहे आप कोई भी धर्म मानने वाले हैं, आपको बड़ा दुख होगा। अरे उसको पकड़ना था ना भाई। मोबाइल ले ले उसकी, दो मिनट रुके, वाइट मत कीजिए, वाइट अरे गैर मुस्लिम के साथ। अब बहुत सारे लोग इन घटनाओं को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो भी धर्म के चश्मे से ही देख रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये महिला सुरक्षा का मामला है। हमारे देश में महिला सुरक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन विडंबना ये है कि अब तक किसी भी महिला संगठन, किसी भी नेता और कार्यकर्ता ने इन लड़कियों के साथ हुई इन घटनाओं पर चिंता जाहिर नहीं की है। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्या इन लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना
हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे समाज की जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अलग अलग संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, वो लोग जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आप एक बार धर्म को भूल जाइए और ये सोचिए कि ये लड़कियां भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, इसी देश की नागरिक है। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से इन लड़कियों को इस तरह अपमानित किया जा रहा है और इनके साथ बदसुलूकी हो रही है, फिर वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, तो क्या इन लड़कियों की सुरक्षा की बात आज नहीं होनी चाहिए? इसलिए हम धर्म की बात करने नहीं आए, हम इन लड़कियों की सुरक्षा की बात करने आए हैं। आप इस बात को मध्य प्रदेश के खंडवा की एक और घटना से समझिए। पिछले महीने पुलिस को खंडवा के शहरी क्षेत्र में सिर्फ इसलिए धारा 144 लगानी पड़ी क्योंकि उस दिन कुछ लोगों ने एक मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़कों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाने पर आपत्ति जताई और इसके बाद हिंदू लड़कों के साथ मारपीट की गई और बाद में वहां इस वजह से सांप्रदायिक तनाव इतना बढ़ गया कि पुलिस को धारा 144 लगानी पड़ी। इस घटना का वीडियो भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए। अब इस सवाल पर आते हैं कि पिछले कुछ समय में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश में इस तरह की एक के बाद एक लगातार कई घटनाएं सामने आ रही हैं और यह सवाल आपके मन में भी जरूर होगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आपने इन वीडियोस को शायद हमसे भी पहले देख लिया होगा और आप भी सोचते होंगे कि अचानक से आपके पास ये वीडियोस आने क्यों शुरू हो गए। तो आज हमने इसकी वजह जानने के लिए इस पर काफी गहरा अध्ययन किया, सोचा और इस दौरान हमें दो बातें समझ में आई। पहली बात ये कि इस समय सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं जिनमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारत में एक लव ट्रैप नाम का षड्यंत्र चल रहा है जिसमें गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम लड़कियों से पहले दोस्ती करते हैं और फिर प्यार के नाम पर उनसे शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। यह दावा कई वीडियोज में किया गया है लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की सरकार या भारत के किसी भी राज्य की पुलिस या फिर जांच एजेंसियों के पास अब तक ऐसा कोई पुष्ट मामला नहीं आया है जिसमें इस तरह के किसी भी लव ट्रैप की कोई बात पता चली हो। यानी ये वीडियोस गलत जानकारी पर आधारित हैं और लोगों को भड़काने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ये वीडियोस इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि इन्हें लाखों लोगों ने देखा है और ये वीडियोस आजकल काफी वायरल है। खास बात यहां पर आप ये देखेंगे कि मुस्लिम लड़कियों का ही अपमान हो रहा है और मुस्लिम समुदाय के जो ठेकेदार हैं वो खुद मुस्लिम लड़कियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और वही इनके वीडियो भी बना रहे हैं। यहां एक बात और स्पष्ट कर दें कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर लव जिहाद को लेकर भी बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं जिनमें बहुत सारे वीडियोस जानकारी के आधार पर गलत भी हैं। लेकिन कुछ मामलों में एनआईए ने खुद इस बात को माना है कि कैसे कुछ लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनका धर्म बदला गया और यह किसी एक धर्म के लोगों ने नहीं किया बल्कि इसके पीछे आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठन रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल एक फिल्म की बड़ी चर्चा है, द केरला स्टोरी। उसमें भी यही बताया गया है कि कैसे जो आतंकवादी हैं, आईएसआईएस के आतंकवादी, वो कैसे लव जिहाद का सहारा लेकर हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करते हैं और फिर उन्हें अपने साथ आतंकवादी बना देते हैं या उनका धर्म परिवर्तन करके अपने साथ ले जाते हैं। और आपने देखा होगा इस फिल्म को लेकर कितनी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, इस फिल्म को लेकर लोग कितने असहज हो गए। एक वर्ग था जो इस फिल्म को रोकना चाहता था और जो ये कहता था कि ऐसा हुआ ही नहीं है, ये तो झूठ है, सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी है और आपने 30,000 लड़कियों के बारे में बताना शुरू कर दिया, ये तथ्य गलत है। द कश्मीर फाइल जब आई थी तब भी लोगों ने यही कहा था। लेकिन यह भी तथ्य है कि लव ट्रैप जैसी कभी भी कोई घटना अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। लेकिन अब कुछ लोग मुस्लिम लड़कियों के गैर मुस्लिम लड़कों के साथ घूमने के इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं और अब इसी को लव ट्रैप का नाम दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि ये घटनाएं तब से ज्यादा बड़ी हैं जब जमियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने पिछले साल नवंबर के महीने में यह कहा था कि भारत में लड़के और लड़कियों के साथ पढ़ने की व्यवस्था मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम धर्म से दूर कर रही है और इसलिए देश में इस पर रोक लगाने की जरूरत है। जमियत उलेमाए हिंद ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है कि हम पूरे मुल्क के अंदर जो दौलतमंद लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं,
हम उनसे ये कहें कि वो अपनी बच्चियों के लिए मिली जुली लड़कों के साथ तालीम से हटकर बच्चियों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग मुस्तकिल दर्शगाहें और स्कूल बनाए। अब हमारा आपसे सवाल ये है कि क्या आपने नागराजू का नाम सुना है? फिर से सुन लीजिए नाम, नागराजू। क्या आपने सुना है? आपने शायद नागराजू का नाम सुना ही नहीं होगा। और हमारे देश के जो नेता दलितों की राजनीति करते हैं, दलितों के वोट लेते हैं, खींच लेते हैं, उन्होंने भी शायद नागराजू का नाम नहीं सुना होगा। सुना भी होगा तो इस पर कुछ किया नहीं होगा। नागराजू हैदराबाद में रहने वाला एक दलित लड़का था जिसने अशरीन सुल्ताना नाम की एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी और ये दोनों स्कूल से ही एक दूसरे को प्यार करते थे, एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। और इसीलिए कुछ मौलाना को एजुकेशन को अब गलत बता रहे हैं। जो मौलाना है वो ये कहते हैं कि लड़के और लड़कियों का एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़ना सही नहीं है। लेकिन तब दलित समुदाय से आने वाले नागराजू ने अशरीन सुल्ताना से भागकर शादी की और कानूनी रूप से ये शादी बिल्कुल वैध थी, बिल्कुल कानूनी थी। लेकिन इसके बावजूद पिछले साल मई के महीने में इस मुस्लिम लड़की के भाई और उसके एक रिश्तेदार ने नागराजू की दिन दहाड़े सड़क पर हत्या कर दी। और हमारे देश में जो नेता खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं, दलितों के नाम पर जिन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियां बना रखी हैं, उनके बीच इस दलित युवक की मौत पर जरा भी हलचल नहीं हुई और वो इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप रहे, क्योंकि ये मामला मुसलमानों से भी जुड़ा हुआ था। और हर नेता ये देखता है कि आखिर में वोटों की जो बैलेंस शीट है वो कहीं बिगड़ ना जाए। हालांकि इस घटना के बाद लड़के और लड़कियों के एक साथ पढ़ने पर एक नई बहस शुरू हो गई और बाद में यह मामला इतना बढ़ गया कि पहले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भारत में इस पर रोक लगाने की मांग की और फिर इस तरह की घटनाएं होने लगी जिनमें मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कों के साथ दिखने वाली मुस्लिम लड़कियों का वीडियो बनाकर उन्हें शर्मिंदा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो एक हिंदू के साथ कैसे दोस्ती कर सकती हैं और उन्हें पूरा अधिकार है, उन्हें पूरा हक है कि वो इन लड़कियों को पकड़ें और इन लड़कियों को रोकें। आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें हमारी ये बात शायद चुभ रही होगी और ये लोग हमें सांप्रदायिक बताने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन लोगों को हम असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लड़कियों का वीडियो बनाकर उन्हें शर्मिंदा करना सही नहीं है और ये अधिकार उन्हें किसी ने नहीं दिया। जिन लोगों को हमारी बात सही नहीं लग रही वो खुद असदुद्दीन ओवैसी की बात आज यहां कैमरे पर सुन सकते हैं। अगर कोई बुरखे में बच्ची जा रही तो आप अंदर के आप मर्दानगी में तकलीफ आती है, कहा जा रही उन्हें बुरखा पहन के हमारी बच्ची, रोको उसको, उन्हें बुरखा नहीं पहन के गई तो नहीं, कोई बात नहीं। और अगर मुसलमान बच्चा बच्ची को बिठा रहा तो अपना भाई है, उन्हें गुनाह नहीं, उसका गुनाह नहीं है। और आप कौन होते भाई किसी को रोकने वाले? आप होते कौन? आप क्या सऊदी अरब की पुलिस है? वो भी खत्म हो गई वहां पे। आपका काम नहीं है कानून को हाथ में लेना, खामखा रोकते, केसा बुक कर लेते। और अगर आप किसी को रोड पे रोक जलील करेंगे, वीडियो निकालेंगे तो बच्ची बागी हो जाती हो। मैं जानता हूं दो केसेस में किसी ने हिमाकत की, वो बच्ची आके मेरे को बोली कि मेरे को आज से बुरखा ही नहीं पहनना है, मेरे को नमाज नहीं पढ़ना है, मैं तो चिढ़ती हूं मुसलमानों से। तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उन्हें आज अपने ही नेता असदुद्दीन ओवैसी की ये बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। जो वो बात कह रहे हैं इस बात में दम है। वर्ष 1976 में भारत के संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ वो संशोधन भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 देश के सभी नागरिकों को समान रूप से अपनी स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के पुरुष और किसी भी धर्म की महिला से विवाह करने का अधिकार देता है। इसके साथ ही यह अधिकार तो सबके पास है ही कि वो किसी भी धर्म के व्यक्ति से दोस्ती कर सकते हैं, किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में जो लोग संविधान की इतनी चिंता करते हैं, जो बात बात पर कहते हैं कि संविधान खतरे में आ गया है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में आ गई है, धार्मिक आजादी खतरे में आ गई है, वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि संविधान ने ही
इंटरफेथ मैरिजेस को अपनी मान्यता दी है, यानी दो धर्मों के बीच विवाह को हमारे संविधान ने मान्यता दी हुई है। यह बात जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि भारत में आज भी सिर्फ 2% शादियां ऐसी हैं जो इंटरफेथ है, यानी जो दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच होती हैं, ऐसी 2% से भी कम शादियां हैं। अमेरिका के एक थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 99% हिंदू, 98% मुसलमान, 97% सिख और बौद्ध और 95% ईसाई धर्म के लोगों ने ऐसे ही पार्टनर से शादी की है जो उन्हीं के धर्म के हैं। यानी भारत में आज भी अंतर धार्मिक विवाह सिर्फ 2% होते हैं, लेकिन इस पर राजनीति बहुत ज्यादा होती है और इसकी वजह से नफरत भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं अब होने लगी हैं, जिनके बारे में आज हमने आपको बताया। ये चिंताजनक बात है। हालांकि यहां आपको अपने अधिकारों के बारे में भी पता होना चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि देश का हर नागरिक बिना किसी रोक टोक के कहीं भी आ जा सकता है, और आईपीसी की धारा 341 कहती है कि देश में कोई भी व्यक्ति किसी नागरिक को किसी के साथ आने जाने से, बात करने से रोक नहीं सकता, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 1 महीने की जेल हो सकती है। यह सजा भी सिर्फ रोकने पर है, अगर कोई मारपीट करता है जैसा कि इन वीडियोज में हुआ तो इससे भी ज्यादा कड़ी सजा हो सकती है, और इसमें हत्या की कोशिश का मामला भी बन सकता है। इसलिए हम उन तमाम लड़कों से आज ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसा लड़कों का समूह या ग्रुप आपको किसी के साथ जाते हुए रोकता है तो वो गैर कानूनी काम कर रहा है, और किसी भी लड़की को और किसी भी लड़के को ऐसे किसी भी ग्रुप से या लोगों से डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल डरिए मत और इनके खिलाफ खुलकर आवाज उठाइए, बल्कि इन लोगों के वीडियोस बनाइए और इनकी FIR पुलिस में जाकर दर्ज कीजिए। आपने देखा होगा हाल ही में अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर एक रिपोर्ट जारी करके ये कहा कि भारत में मुसलमान खतरे में है। अक्सर और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स और NGOs जो अंतर्राष्ट्रीय NGOs हैं वो बात बात पर कहते रहते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में है। पाकिस्तान की सरकार भी बार बार ये कहती रहती है, लेकिन अगर आप इन घटनाओं को आज ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में मुस्लिम लड़के ही मुस्लिम लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। भारत में मुस्लिम लड़कियां असुरक्षित हो रही हैं मुस्लिम लड़कों की ही वजह से, अपने ही समुदाय की वजह से। इस पूरी खबर का सार यह है कि इस तरह की घटनाओं को अब बिल्कुल तुरंत रुकना चाहिए। दूसरा, ये मुस्लिम लड़कियां भी किसी की बहन और बेटी हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा की बात भी जरूर होनी चाहिए। तीसरा, जो लोग भारत की धर्मनिरपेक्षता को खतरे में बताते हैं उनका सच भी आज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो चुप बैठे हैं ऐसी घटनाओं पर। चौथा, आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए, आपको कोई भी इस तरह से बीच सड़क पर रोक नहीं सकता। और पांचवा, भारत धर्म के नाम पर इकट्ठा हुई इस तरह की भीड़ से नहीं चलेगा, बल्कि भारत अपने संविधान से चलेगा। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो एक खास विचारधारा के लोग लव जिहाद को प्रोपेगेंडा बताते हैं, वो लोग ऐसी घटनाओं पर बिल्कुल चुप बैठे हैं। आपको याद होगा हाल ही में द केरला स्टोरी नाम से जो फिल्म आई, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में बैन लगा दिया था और कहा था कि इस फिल्म को हम नहीं चलने देंगे क्योंकि इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कह दिया है कि यह बैन सही नहीं है और पश्चिम बंगाल की सरकार इस फिल्म की स्क्रीनिंग को रोक नहीं सकती और उसे फिल्म देखने जाने वाले लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अब बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या अब अपने राज्य में द केरला स्टोरी चलने देंगी? क्या अब उनके अंदर इतनी सहन शक्ति, सहनशीलता आ जाएगी? पिछले 13 दिनों में द केरला स्टोरी जो फिल्म है वो लगभग 165 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है और इस फिल्म के कई शोज आज भी हाउसफुल चल रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब कोई फिल्म जनता की नब्ज को पकड़ती है, जब कोई फिल्म किसी समस्या को बिल्कुल ठीक से पकड़ती है और जनता उसे पसंद करती है, तो फिर जनता कैसे उस फिल्म को अपने दम पर लोकप्रिय बना देती है। अब आपको यह बताते हैं कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री कैसे हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके हैं और अब वो कुछ नेताओं को इसीलिए चुभ रहे हैं क्योंकि वो हिंदुओं को एकजुट करने में कामयाब हो रहे हैं। आज बिहार की जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके खिलाफ
केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डालने की मांग की। यानी पप्पू यादव चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाल दिया जाए। हम इनका पैर छू लेंगे, इनको कहिए कि जितना बॉर्डर पर आर्मी है सबको हटा दे, पाकिस्तान फू, चाइना फू, मियां फू, इनको कहिए सबको चमत्कार कर दे, इनको कहिए भारत के सारे भ्रष्टाचारी को एक दिन में फू कर दे। सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता का एक देश जो सिर्फ संविधान से चलता है, गीता कुरान बाइबिल से नहीं। गीता कुरान बाइबिल रामायण मेरी आस्था है, वो मेरे देश का कानून नहीं है। और जो देश के संविधान से ऊपर बात करे उसको जेल में बंद करना चाहिए। तो आपने नोट किया होगा, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो नीतीश कुमार, चाहे आरजेडी के नेता हो और चाहे पप्पू यादव जैसे नेता हूं, इनसे धीरेन्द्र शास्त्री की जो लोकप्रियता है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए जो लाखों लोगों की भीड़ उनके अपने राज्य बिहार में उमड़ी है, ये बात इन नेताओं से बर्दाश्त नहीं हो रही। और सोचिए, इसलिए ये नेता ज्यादा परेशान है क्योंकि ये सारे नेता बिहार के हैं। इनकी रैलियों में मुश्किल से 25-30 हज़ार लोग भी नहीं आते, और जो आते भी हैं वो आते हैं जिन्हें पैसे लेकर बुलाया जाता है, उनके लिए बसें भेजी जाती हैं, कार्यकर्ता जबरदस्ती लोगों को उठा उठाकर रैलियों में शामिल होने के लिए लाते हैं, तब भी 25-50 हज़ार से ज्यादा जनता नहीं आती। और उन्हीं के राज्य में बिहार में, वो भी राजधानी पटना में ही, यानी नीतीश कुमार की सरकार के नाक के नीचे 10 लाख लोग धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, वो भी बिना बुलाए बिना पैसे लिए। उनकी ये लोकप्रियता इसलिए अब बिहार के नेताओं से बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन दूसरी बात यह है, ये जो नेता हैं ये जनता से बिल्कुल कटे हुए हैं, और कई बार यही बात इन नेताओं को परास्त भी करती है क्योंकि ये जनता की नब्ज से दूर हो जाते हैं। जनता की नब्ज क्या है? जनता ऐसे लोगों के पास, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पंडितों के पास क्यों जाती है? अगर जिस दिन हमारे देश के नेता ये समझ गए, उस दिन हमारे देश की राजनीति सुधर जाएगी। इसलिए आज हम इन तमाम नेताओं से ये कहना चाहेंगे, अंधविश्वास या कोई अंधविश्वास ना होने की बात हो वो तो दूर की बात है, अभी अंधविश्वास की बात मत करो, अभी ये बात करो कि आप लोगों को छोड़कर, आप लोगों की मर्जी के बिना लाखों की संख्या में लोग धीरेन्द्र शास्त्री के पास क्यों जा रहे हैं? अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं? सरकार के पास क्यों नहीं आ रहे हैं? जबकि इन तमाम लोगों की समस्याओं का जो समाधान है वो तो सरकार के पास है। सरकार के पास पूरा तंत्र है, सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर सरकार इनके सारी समस्याएं दूर कर दे तो फिर ये क्यों जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री के पास? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की ये मांग इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिखाया है जो बीजेपी भी नहीं कर पाई। उन्होंने लगभग 300 जातियों में बटे बिहार के 82% हिंदुओं को एकजुट कर दिया है। और इसका मतलब यह है कि जो नेता और जो पार्टियां जातियों के आधार पर अपनी राजनीति करती हैं, जो हिंदुओं को छोटी 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 जातियों के आधार पर बांट देती हैं, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, एससी, एसटी और न जाने क्या क्या, अब उनकी दुकान बंद होने की नौबत आ सकती है। और यही वजह है कि ऐसे नेता धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उन्हें जेल में डालना चाहते हैं। इस बात को आप इन तस्वीरों से समझिए। कल जब धीरेन्द्र शास्त्री बिहार से लौट रहे थे तब उनके चार्टर्ड प्लेन और रनवे पर इतनी भारी भीड़ उमड़ कर आ गई और लोग उन्हें देखने के लिए कितने बेचैन और बेसब्र थे, आप देख लीजिए। लेकिन इसका वीडियो सामने आने के बाद जेडीयू ने इसकी भी जांच की मांग की है, जबकि आरजेडी ने कहा है कि अफगानिस्तान जैसी तस्वीर कल पटना के हवाई अड्डे पर देखने को मिली थी। देखिए, अब धीरेन्द्र शास्त्री आजकल वो प्राइवेट प्लेन में चलते हैं और किस तरह हवाई अड्डे पर रनवे और उनके प्लेन तक जनता पहुंच गई आप खुद देखिए। जय श्री राम।
आपने एक और बात नोट की, अब तक हमारे देश में जो बड़े बड़े नेता थे या जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, सिर्फ वही प्राइवेट प्लेन और चार्टर्ड प्लेन्स में चलते हैं। लेकिन अब हमारे देश के जो बाबा हैं, हमारे देश के जो धार्मिक धर्म गुरु हैं, वो भी प्राइवेट प्लेन्स में चलने लगे हैं। वो भी किसी बड़े फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी से अब कम नहीं है। और ये जनता देखिए, हमारे देश की ये जनता जब किसी को अपने सिर पर बिठाती है तो कैसे बिठाती है। अब आपको भारत सरकार में हुए एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में बताते हैं। सुबह सुबह ये खबर आई और पूरा भारत हैरान रह गया। किरण रिजिजू को भारत के कानून मंत्री के पद से आज हटा दिया गया और उनका कार्यभार अर्जुन राम मेघवाल को सौंपा गया है। 69 साल के अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, लेकिन अब उन्हें बतौर राज्य मंत्री कानून और न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है, जबकि किरण रिजिजू को अब भू विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया है। और इससे पहले उनके मंत्रालय में काम करने वाले सत्यपाल सिंह बघेल को भी कानून राज्य मंत्री के पद से हटाकर अब स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया। यानी पूरा जो कानून मंत्रालय था जिसमें दो मंत्री थे, उन दोनों को ट्रांसफर करके दूसरे मंत्रालयों में भेज दिया गया है। अब आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर आज उस समय की है जब अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री का पद संभालने से पहले किरण रिजिजू से मिलने के लिए पहुंचे। भारत के पहले कानून मंत्री बीआर अंबेडकर से लेकर किरण रिजिजू तक हमेशा कानून मंत्रालय कैबिनेट रैंक के मंत्री को दिया गया है और यह पहली बार है जब किसी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इसलिए मोदी सरकार में यह फेरबदल सरकार चलाने में एक नया प्रयोग माना जा रहा है। इससे पहले 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रयोग किया था जिसमें करीब 10 ऐसे राज्य मंत्री थे जिनके पास अपने विभागों का स्वतंत्र प्रभार था और वो अन्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री थे। 52 साल के किरण रिजिजू की पहचान एक ऐसे मंत्री के रूप में है जो सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, मीडिया सेवी हैं, रोज मीडिया में दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और कानून मंत्री रहते हुए कई विवादित मुद्दों पर न्यायपालिका के साथ उनका खुलकर टकराव हुआ और उन्हें हटाने का एक प्रमुख कारण यही माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम का खुलकर विरोध किया, कहा कि यह विदेशी सिस्टम है जिसमें कई खामियां हैं और यह देश की न्याय प्रणाली के लिए सही नहीं है। किरण रिजिजू की अंकल जज सिंड्रोम वाली टिप्पणी को लेकर बहुत विवाद हुआ, जिसका मतलब यह है कि न्यायपालिका में उन लोगों के लिए जज बनना ज्यादा आसान होता है जिनका कोई जानने वाला या परिवार का कोई सदस्य पहले से जज है, यानी जजों के बीच भी परिवारवाद चलता है। ऐसा कहने वाले वो भारत के पहले कानून मंत्री हैं जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऐसा कहा कि जुडिशरी में परिवारवाद है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ रिटायर्ड जज ऐसे हैं जो एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं और भारत विरोधी गैंग का हिस्सा है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि पिछले दिनों में कानून मंत्रालय भारत सरकार से जुड़े कई मामलों को शायद सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पेश नहीं कर पाया, रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ऐसा लगा हो सरकार को कि कानून मंत्रालय अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। कुछ दिन पहले, यह भी एक संयोग है कि कुछ ही दिन पहले किरण रिजिजू मेरे साथ एक इंटरव्यू करने के लिए हमारे खास कार्यक्रम सीधी बात में आए थे और सीधी बात में उन्होंने वो बातें कह दी थी सीधे सीधे जो शायद कोई और कानून मंत्री ना कहे। आप खुद सुनिए। आपको लगता है कि जुडिशरी में एक लॉबी है जो आपके पीछे पड़ी है? देखिए, ये मैंने एक दो फोरम में भी ये बात कह चुके हैं कि इंडियन जुडिशरी दुनिया का सबसे ताकतवर जुडिशियल सिस्टम में से है, बहुत ही इंडिपेंडेंट है और जुडिशियल ऑर्डर का कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते। लेकिन लोकतंत्र में जुडिशरी को अगर मिसयूज करना चाहेंगे या जुडिशरी के ऊपर में कोई लांछन लगाएंगे या जुडिशरी को कब्जा करने का बात सोचेंगे तो इसको सबको रजिस्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसा है कि जुडिशरी को मिसयूज करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, तो वो जो एक ग्रुप है वही लॉबी है जो मैं कभी कभी साफ तौर पर कह देता हूँ कि जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और कुछ लोग हैं जो भारत का जो प्रोग्रेसिव हमारा जो स्टैंड है उसको विफल करने के लिए कुछ ना कुछ डाइल्यूशन लाते रहते हैं।
तो क्या आपने कभी चीफ जस्टिस पर कोई दबाव नहीं डाला, कभी उनको ये नहीं कहा कि ये करना है ये नहीं करना है? देखिए, चीफ जस्टिस और लॉ मिनिस्टर के बीच में डेली संवाद होते हैं, कई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होते हैं, एक नहीं कभी कभी दिन में 4-5 लेटर भी हम लोगों के बीच में आदान प्रदान होते हैं, क्योंकि मिलकर ही तो काम करना है और लॉ मिनिस्टर एक ब्रिज का काम करते हैं सरकार और जुडिशरी के बीच में, तो इसलिए वर्किंग रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग बहुत है। उसमें कई चीज़ों में थोड़ा सा विवाद भी हो जाते हैं या कोई डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन कन्फ्रंटेशन बिल्कुल नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड से कैसा रिश्ता है? उनके हाथ बहुत लंबे हैं, कानून के हाथ तो लंबे होते ही हैं, लेकिन आपके हाथ भी बहुत मजबूत हैं। देखिए, पूर्व के जो चीफ जस्टिस रहे हैं, मेरा उनसे भी बहुत अच्छा संबंध रहा है। अभी जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूर, उनका भी स्वभाव बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इंसान है, उनका जो नज़रिया है उसमें हमसे अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसान के हिसाब से मैं तो कह सकता हूं कि बहुत अच्छा इंसान है। आपको लगता है बहुत सारे जजेस या रिटायर होने के बाद वो एक्टिविस्ट बन जाते हैं, एक्टिविस्ट माइंडसेट वाले जज हैं? ये कुछ मैं बहुत डिटेल में तो नहीं कहूँगा, मैंने आपके आज तक का इंडिया टुडे कम्प्लेक्स जो वहाँ कॉन्क्लेव हुआ था वहाँ मैंने इस बात को कही थी। कुछ फोरम ऐसा है जिसमें गलत तरीके से पैसे आते हैं या गलत लोग इसको प्रमोट करते हैं, जाने अनजाने में कुछ रिटायर्ड जजेस भी ऐसा गिरोह और ऐसा कार्यक्रम में वो सम्मिलित हो जाते हैं। मैं सीधा सीधा अभी नाम लेके नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोग, मैं इतना कह सकता हूँ कि कुछ जजेस अनोइंगली शायद अटेंड करता होगा जो उनके स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम में, जो सरकार का खिलाफ करने के लिए ही स्पॉन्सर्ड किया जाता है कार्यक्रम। जुडिशरी में खास तौर पर जो परिवारवाद है, एक खास ग्रुप के जो लोग हैं वही जज बनते हैं, वही वकील बनते हैं। सुधीर जी, आपको समझना होगा कि ये कैसे बना इस तरह का परिस्थिति। जब सरकार इसका इनिशिएटिव करते थे जजों का अपॉइंटमेंट का, संवैधानिक प्रक्रिया जिसको हम कह सकते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद है 224 और 217 के तहत, वो उस समय ये विवाद या ये आरोप नहीं लगता था परिवारवाद जुडिशरी में। जब से कॉलेजियम हो गए हैं, अब हाई कोर्ट में 3 जज सीनियर जज बैठ के तय करते हैं कि कौन कौन अगले जज बनेंगे, वो लोग नाम भेजते हैं हाई कोर्ट के जजेस के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट बैठ के नाम तय करते हैं। तो वो तो वही नाम भेजेंगे जो उनके दायरे में है, उनके नॉलेज में है या उसके ज्यूरिसडिक्शन में है। तो जो कॉलेजियम बन गया, तो कॉलेजियम ने ही ऐसा एक परिस्थिति खड़ा कर दिया जहां जो जज जिसको पहचानते हैं उसी के नाम को ही भेजेंगे, क्योंकि अगर नहीं पहचानते तो वो नहीं भेजेंगे। अगर सरकार के पास ये होता पहले थे तो सरकार तो ब्रॉड बेस ये देखते थे, क्योंकि हम लोग तो ज्यूडिशरी के नहीं है। तो ये बात साफ है कि किरण रिजिजू को सीधी बात करने की आदत है, और इस बार सीधी बात उन्होंने की जजों के साथ, जुडिशरी के साथ, चीफ जस्टिस के साथ, और हो सकता है इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा हो। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में कई ऐसे मामले आए हैं जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच काफी कन्फ्रंटेशन हुआ है, काफी टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, और हो सकता है कि सरकार ने किरण रिजिजू को इसके लिए जिम्मेदार मान लिया हो। किरण रिजिजू एक ऊर्जावान नेता है, बहुत मेहनती नेता है, और हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, वो जहां भी जिस भी मंत्रालय में जाएंगे वहां अच्छा ही काम करेंगे। जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रचता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। नमस्कार।